तो महिलाओं को हर तरह से एम्पावरमेंट करना सरकार की जिम्मेदारी है। उसी रूप में हम लोग इसकी मैं उम्मीद करता हूँ कि एक नारी संस्था ने जो काम किया है, 70,000 महिलाओं को जो जिन्होंने एनरोल किया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि इनकी है। एक नारी संस्थान को मैं बधाई देना चाहूँगा। इस प्रकार के संगठन आगे आएंगे तब जाके महिलाओं में और जागरूकता आएगी। आज भी गाँव के अंदर बाल विवाह हो जाते हैं, अन्याय अत्याचार उत्पन्न होता है महिलाओं के साथ में। सरकार ने हर जिले में एक एक DYSP की पोस्ट क्रिएट करी है इसी काम के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के ऊपर अत्याचार अन्याय उत्पन्न हो, बलात्कार हो, ऐसी घटनाएं गंभीर हो, तमाम घटनाओं को खुद देखे। इस प्रकार से हम लोगों ने एक नई शुरू सेल्फ डिफेंस की बात है, वो छात्राओं में तो हम लोग जा ही रहे हैं। अब हम जल्दी करने वाले, कोई भी गर्ल या महिला चाहेगी तो हम चाहेंगे पुलिस प्रशासन के माध्यम से उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग मिले। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज यहाँ पर इतनी बड़ी महिलाएं इकट्ठी हुई और अपने मिशन को। आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने एक मिसाल कायम की थी, अटल जी को भी दुर्गा का रूप उन्हें कहना पड़ा। इंदिरा गांधी को दुर्गा का रूप क्यों कहा, वाजपेयी जी ने क्यों कहा था? इंदिरा गांधी महान शख्सियत थी, पूरे विश्व में उनका नाम था। आतंकवाद का मुकाबला किया पंजाब में, वो शहीद हो गए देश के लिए, उनका सीना छलनी कर लिया गया। बांग्लादेश आज़ाद हो गया, 93,000 उनके कर्नल जनरल मैजर दिया, ये उनका रूप था। शहीद गांधी लेके आए, वो पहले भीख मांगते थे अमेरिका से, हम लोग गाँव की नई पीढ़ी को मालूम नहीं है। 21 प्रोग्राम दिए उन्होंने। और मोदी जी कहते हैं 76 साल में क्या हुआ, उनका उनके प्रधानमंत्री रहे हुए वाजपेयी जी कहते हैं वो दुर्गा का रूप थी। क्या प्रधानमंत्री जी के मुँह से पूरे 6 साल में 5.5 साल में एक बार भी इंदिरा गांधी का नाम निकला क्या? तो आप समझ सकते हो कि जो इंदिरा गांधी के नाम लेने में उनको संकोच होता हो, जो एक महिला थी, महिलाओं का मान सम्मान दुनिया भर में बढ़ाया उन्होंने, उसका नाम लेते हुए संकोच होता है। इसका मतलब सच्चाई कहाँ है? सच्चाई उनके साथ नहीं है। ठीक है, चुनाव जीतना अलग बात है, हवा बनाने राष्ट्रवाद की, हम तो राष्ट्रवादी है ही नहीं, कोई राष्ट्रवादी है। सर्टिफिकेट उनका लेना पड़ेगा राष्ट्रवादी बनने के लिए। ये तमाम बातें मैं कई बार मैं कह चुका हूँ, फिर कहना चाहूँगा कि इनका लंबे समय तक ना तो ये राष्ट्रवाद की बात चलने वाली है, जनता सब समझती है। क्योंकि वोटों के लेकर के, वोट को लेकर के धर्म के नाम पर पहले थे, राष्ट्रवाद के नाम पर आ गए। इन चुनाव में पुल खुल गए उनकी, अभी 2 चुनाव हुए थे राज्यों में, हरियाणा में और महाराष्ट्र के अंदर। तो जनता बहुत समझती है और आप देखेंगे आने वाले वक्त में समझदारी के पैसे और देगी जनता। जनता को विश्वास है हमारे ऊपर। अभी 2 बाई इलेक्शन हुए थे, 2 बाई इलेक्शन में आपने देखा होगा किस प्रकार से इतनी भारी जीत होना मंडावा के अंदर, 35,000 थे, और नागौर के अंदर फ्यूचर में हम लोग हारे नहीं हैं। 57,000 की लीड थी उनकी, वो 4,000 पे आ गई। आप समझ सकते हैं कि जनता ने पूरा साथ दिया। रिफाइनरी तो बड़ा प्रोजेक्ट है, 42,000 का प्रोजेक्ट आज़ादी के बाद पहला आया है। पिछली सरकार ने 5 साल बर्बाद कर दिए, अब काम शुरू हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ काम पूरा होगा तो उसका लाभ पूरे प्रदेश।